हमार का हाल चाल है। आज है दूसरा दिन ट्यूशन का, तो देसी स्टाइल में जा रहे हैं हम दोनों मिल करके। हम हैं और पीछे रेहान भाई है, तो दोनों मिल कर भी जा रहे हैं। और पहले तो पेन कॉपी नहीं था, तो पेन कॉपी वगैरह सब ले लिए। अभी चलते देखते, ऐसा ना कि पिछले ब्लॉग की तरह ट्यूशन फिर बंद हो और फिर हम लोग को फिर वापस ए सी आना पड़े। जाते हैं और देखते हैं कि पहला ट्यूशन का पहला दिन कैसे होता है। और बारिश भी स्टार्ट हो गया, लग रहा ट्यूशन नहीं होगा। तभी निकल चुके ट्यूशन के लिए, तभी हम लोग निकल चुके हैं ट्यूशन के लिए। और गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, रिजर्व में गाड़ी लगा कर चला रहे हैं। ऐसे तो जा भी सकते हैं और ट्यूशन, और ट्यूशन से वापस आ भी सकते हैं, लेकिन पेट्रोल किसी और दिन ले लेंगे। अभी चलते हैं पहले ट्यूशन। ये हम लोग का हाईवे, नेशनल हाईवे 57 नंबर, यहाँ से पूरा यूपी तक दिया हुआ है। ओ भाई, अभी देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी तो स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं कि ट्यूशन जाते जाते बारिश बढ़िया से वो हम लोग भींग जाए और ट्यूशन भी ना जा। भाई साहब देखो, अभी यहाँ पर हम लोग दो दिन पहले आए थे, जब यहाँ पूरा पानी वहाँ सब लगा हुआ था, यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी सब लगा हुआ है अब हुआ था। लेकिन अभी देखो पूरा एकदम बंजर जमीन हो गया, सूखा हुआ है, एकदम सूखा हुआ। चलते हैं अभी आगे, देखते हैं आगे भी पूरा सूखा हो जाए, पानी मिलता है कि नहीं हम लोग। ओ भाई, ये पूरा सूख गया है, पूरा लगभग सूख गया है। इससे पहले आया तो पूरा लोगों के घरों में पानी था, अभी देख रहा हूँ हट गया। जो अच्छी बात है, धीरे धीरे जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी भी है पानी, तो है पानी है। ओ आराम से पानी है। अभी ट्यूशन पहुंच गए, सर से बातचीत हो गया। सर बोले भी एक चैप्टर खुद से स्टडी करके देखो, समझ में आता नहीं, अज नहीं समझ आता हमसे पूछ लेना। और तब तक के लिए सेंस भाई, फाइनली अपना ट्यूशन ख़त्म हो गया, बहुत थके हुए, चलते चलते बात करते हैं। हाँ भाई साहब, अभी ट्यूशन ख़त्म हो गया है, ट्यूशन ख़त्म हो गया, अभी तो निकल रहे हैं घर की तरफ। लेकिन गाँव पहले गाँव होकर आए थे, अभी हाईवे पर जा रहे थे। कभी भी हाईवे क्रॉस करो या रोड क्रॉस करो, देख सुन कर करके आपके आगे पीछे कोई है कि नहीं, गाड़ी को जाने दो, फिर आराम से क्रॉस करो। इससे आप भी अपना सेफ रहोगे और अगला को भी सेफ रखोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए सेफ रहो, सिक्योर रहो, क्या सेफ्टी इज़ ए नंबर वन प्रायोरिटी, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखो।